Good morning all of you. Welcome to online classes of class 11th of history. Yes, man evolution. हम पढ़ रहे थे मानव विकास की कहानी, human evolution. उसी के आगे further part of मैं इसको लूंगा, लेकिन पहले ये जो question लिखा हुआ है ये एक बड़ा question है, short है but तो थोड़ा बड़ा, इसको आप उतार लें. इसको तुम्हें कॉपी करना है अपनी नोटबुक में और आप याद करना है, ये आपके एग्जाम में शो रहेगा. आप देखिए पेज नंबर 17, पेज 17 में अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, खाने को प्राप्त करने के तरीके, इस आदि मानव के ऑब्टेनिंग ऑफ फूड के क्या मेथड थे, क्या वेज थे, ये आपने इससे पहले सुने थे. नंबर वन था गैदरिंग, नंबर टू था स्केवेंजिंग, नंबर थर्ड था हंटिंग और फोर था फिशिंग. ये चार वेस्ट थे. मछली पकड़ता था, स्केवेंज करता था, जो डेड बॉडी होती है जानवरों की उनको यूज करता था अपने सर्वाइवल के लिए. गैदरिंग करता था, गैदरिंग का मतलब जंगल, जो जंगल बेरीज होती हैं, जंगल के फ्रूट होते हैं और फल होते हैं, कंदमूल होते हैं, उनको इकट्ठा करके वो खाता था, उनको जमा करता था. ठीक है, ये इसके अदर डिफरेंट वेज ऑफ गैदरिंग फूड थे आदि मानव के. उसके बाद आता है ये हम सेकंड पैरल. अब इसके बाद जो लिखा है इसको आप देख लें, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट पैरा को देखें. नेक्स्ट पैरा में आता है जिसे अभी कुछ सालों पहले कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने किस चीज पर उन्होंने हंटिंग टर्म, जो हंटिंग है शिकार है, उसको लेकर उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए और उन्होंने कहा कि जो अर्ली होमिनिड था, जो अर्ली ह्यूमन था, जो आदिकाल का रिफाइंड ह्यूमन था जिसे होमिनिड कहा जाता है, तो था वो स्केवेंज करता था, मतलब खाने की तलाश करता था. कहां से करता था? फॉर मीट एंड मैरो के लिए, फ्रॉम द कारकेसेस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल. डेड बॉडीज मतलब किसी और के जरिए, किसी शेर ने खाकर छोड़ दिया हो उस डेड बॉडी को, उसको खा के ये अपने आप को सरवाइव करता था. यह आदि मानव इट इज इक्वली इस तरह. अच्छा, अब देखें आप नेक्स्ट पेज पर आइए. फिर आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने हंटिंग जो है कितने साल पुरानी, 5 लाख साल पुरानी हंटिंग के बारे में कहा है कि ये शुरू हुई 5 लाख ईयर. सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? 5 लाख साल पहले ये शुरू हुई इंग्लैंड के अंदर. उसके बाद शुरू हुई है यूरोप में हंटिंग. ये रिसर्च हुई, ये एविडेंस सामने आए. और पेज नंबर 18 पे आइए. बाप पेज नंबर 18 पे देखें, फिशिंग वाज आल्सो इम्पोर्टेंट. फिशिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है इस आदिकाल इस प्राइमेट्स का. एज इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फिश बॉन्स एट डिफरेंट साइज, क्योंकि अलग अलग जगहों पर मछलियों की हड्डियां मिली हैं, छोटी बड़ी हड्डियां मिली हैं एज ए फॉसिल्स के रूप में. वो एविडेंस है, ये शो करते हैं कि आदिकाल का मानव, जो मानव था वो मछली का शिकार या आखेट किया करता था. इसके बाद नेक्स्ट यहां पर भी आपको लाखों लाखों साल पुराने बातें बताई गई हैं. ये कह रहा है 35 ईयर, 35,000 साल पहले देयर इज एविडेंस ऑफ प्लेन हंटिंग. ये कह रहा है प्लेन हंटिंग, सिस्टमेटिक हंटिंग की जाती थी यूरोप कंट्रीज में, प्लेनिंग करके की जाती थी. ये बात नोट करने की है, नोट द पॉइंट. यूरोपियन साइट्स में कुछ साइट्स के यहां पर नाम दिए हुए हैं, जैसे डोनी वेस्टोनिक, ये कहां पर है? रूस में है. रूस में इसको आप देखेंगे, सी मैप नंबर 2 या दिया हुआ है वहां देखें. उसके बाद विच वाज नियर ए रिवर, ये जो साइट है ये किसी बड़ी रिवर के बराबर है, एक रिवर है वहां पर, उसके पास है ये साइट, ये जगह. सेम टू हैव बीन डेलिबरेटली चोजन बाय द अर्ली मैन, इसके लिए कहते हैं कि इस जगह को आदिकाल के मानव ने, होमेरिड ने खास तौर से चुना था, चूज किया था. इसका मतलब उसमें इतनी समझ आ चुकी थी, उसमें इतनी इंटेलिजेंस आ चुकी थी कि मुझे कहाँ जाना है और शिकार कैसे करना है और कौन से मौसम में क्या होगा, वो ये उसमें ये समझ आ चुकी थी. ये चीज को शो करता है, ये साइंटिस्ट बताते हैं हमें. हर्ड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी एनिमल मतलब प्रवासी जानवर जो किसी मौसम में, ऑटम में या किसी और ऋतु में एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो इस नदी को क्रॉस करके कहीं और जाया करते थे. तो आदि मानव यहां पर सबके साथ इकट्ठे होते थे बड़ी संख्या में
और शिकार करते थे भारी मात्रा में और उसको सेव करते थे आने वाले मौसम के लिए भी, और उस टाइम मतलब वहां ये काफी टाइम रहकर वो यूज करते। तो ये शो करता है कि उसमें इंटेलिजेंसी आ गई थी, वो डिसीजन लेने लगा था। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है अपना अर्ली ह्यूमंस। बाकी सबको आप कॉमेंट कर दें। अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव इन ओपन एयर स्टेट। पहला मानव कहाँ रहता था, उसका रेजिडेंस कहां पर था, पेड़, पेड़ों पर रहा करता। अब पेड़ों से उतर कर लाखों साल बाद ये पेड़ों से उतर कर कहां पर आ गया, गुफाओं में आ गया, केव में आ गया और खुले मैदानों में आ गया। इसमें ये प्रोग्रेस है, ये इसका साइन ऑफ प्रोग्रेस है, साइन ऑफ मूवमेंट है, फर्दर मूवमेंट है। अब इसमें क्या बताता है, ये कह रहा है कि एविडेंस ऑफ पैटर्न्स ऑफ, तो पैटर्न्स ऑफ रेजिडेंस, गुफाओं के अंदर ये कैसे रहता था, मैदानों में कैसे रहता था, उसके पैटर्न्स क्या थे, ये कह रहा है। वन वे ऑफ द डूइंग दिस बाय प्लॉटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट हाथ से बनी हुई चीजें, जो ये टूल्स हैं, वेपन्स हैं, कुल्हाड़ियां हैं, पिक्स हैं, जो ये बनाया करता था पत्थर से, लकड़ी से, वो कहलाती है आर्टिफैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ फ्लैग टूल्स एंड हैंड एक्सेस, बहुत सारी कुल्हाड़ियां जो उन्होंने हाथ से बनाई थी, फ्लैग टूल्स, फ्लैग टूल मतलब रिफाइंड टूल्स, पहले से बेहतर बने हुए औजार, ये खोदे गए, मतलब ये खुदाई में मिले, कहां मिले, कीनिया में, अफ्रीका में मिले। दीज ये फाइंडिंग, ये डिस्कवरीज आर डेटेड, कितने पुरानी, 7 लाख साल पुरानी, 7 लाख साल पुरानी डिस्कवरीज हैं जहां पर ये मिले हैं। और ये शो करते हैं कि उसने रिफाइंड टूल्स एक्सेस इनको डेवलप कर लिया था, बना लिया था। पेज नंबर 19 पे आइए आप, पेज नंबर 19 है, हाउ डिड दीज टूल्स एक्यूमुलेट इन वन। अब क्वेश्चन ये आता है उनके मन में, साइंटिस्ट के मन में क्वेश्चन आया कि इतने सारे औजार, इतने सारी हैंड एक्सेस और उसके जो हथियार थे, स्पीयर से, ये सब एक ही जगह पर क्यों मिले और कैसे मिले। अब इसका आंसर बताते हैं आपको, इट इज पॉसिबल दैट सम प्लेसेस वेयर फूड रिसोर्सेज वर अबंडेंट। ये चीज संभव है, संभावना पे टोटल आपका ये इतिहास आदिमानव का, ये संभव है कि हो सकता है कि जहां पर ये, क्योंकि यहाँ पर फूड रिसोर्सेज, खाने के संसाधन, हो सकता है इस जगह पर बहुत ज्यादा हो, पर्याप्त मात्रा में हो, एबंडेंट हो। और जब खाने, जब खाने पीने का साधन जहां पर होता है तो इंसान वहीं जाया करता है। आपको पता है कि सिविलाइजेशन ब्रिंग्स अप नियर द वाटर, नियर द रिवर, जितनी सभ्यताएं हैं वो नदियों के पास पली बड़ी हैं, पानी के पास, क्योंकि पानी हमारी 50-60% हमारी आवश्यकता का पार्ट है वो, तो इसलिए ये इस साइट के पास इतनी चीजें जो मिली खाने, तो इनसे इन एरियाज पर जो लोग थे वो आते थे और यहाँ शिकार करते थे नदी में उन जानवरों का, जो यहाँ से माइग्रेट करते थे अदर पार्ट ऑफ द रिवर जाया करते थे, और इनको यहाँ इकट्ठे जानवर मिल जाते थे। जानवर में कौन होता था, एनिमल्स में जंगल बीस होते थे, रेनडियर हुआ करते थे, हॉर्सेस घोड़े होते थे, जो जंगली घोड़े होते हैं उनका ही शिकार करते थे और यहाँ रहा करते थे, और इसलिए इतने सारे औजार और टूल्स वगैरह यहाँ मिले हैं, उनका एक्यूमुलेशन यहाँ मिला है, एक्यूमुलेशन कलेक्शन वो यहाँ इनको मिला है। देखने ये इसका रीजन रहा है, क्योंकि यहाँ रिपीटेडली ये लोग आते रहे हैं, इन्होंने इसको विजिट किया इस साइट को। इसके बाद इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेम लोकेशन कुड हैव बीन शेयर्ड बाय द होमिनिड्स। होमिनिड भी यहाँ पर आता रहा है, होमिनिड एक रिफाइंड मैन, एक सोफिस्टिकेटेड ह्यूमन बीइंग, जो पहले से कहीं बेटर हो गया था, मतलब होमो सेपियंस तो आजकल उसमें समझ आ चुकी थी, वो भी यहाँ पर आता था। दूसरे प्राइमेट्स भी आते थे, आपको मालूम प्राइमेट्स कौन है, और कार्निवोर मांस खाने वाले जानवर, ठीक है, वो भी आया करते थे। तो सभी तरह के लोग और उनकी हड्डियां, उनकी चीजें जो मिली हैं, उसका रीजन ये है। पेज नंबर 20 पे आइए आप, पेज नंबर 20 इसमें देखें आप, बिटवीन अभी कह रहा है 4000 साल पहले, सॉरी हाँ 4 लाख साल पहले, साल पहले केव और ओपन, गुफाएं और ओपन साइट, ओपन एयर साइट बिगेन टू बी यूज। आदि मानव इनका इस्तेमाल, पेड़ों से उतरकर गुफाओं में आ गया और गुफाओं से वो खुली जगहों पर आ गया। यूज एविडेंस फॉर दी, उसके सबूत मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं लेजरेट, फ्रांस के साउथ में एक जगह है लेजरेट, यूरोप में जो फ्रांस है, वहां पर देखा गया है
अरे वहां पर 12x4 12x4 का एक गुफा देखी गई, एक जगह देखी गई, एक शेल्टर था जो इनका बनाया हुआ था, जो गुफा के अंदर था, इतने इतने का इनसाइड। और इसके अंदर टू हर्स, और उन्होंने क्या देखा उस गुफा के अंदर 12x4 अंदर देखा हर्स, कहते हैं सिगरियां अलाव, आग जलाई जाती, वो आग जलाया करते थे। तो वहां पर हर्स मिली है खुदाई के अंदर, एंड एविडेंस ऑफ डिफरेंट, और कई तरह के खाना जो होते हैं ना उसके सबूत मिले हैं, हड्डियां मिली हैं, कई फ्रूट्स के छिलके मिले हैं, छिलके मतलब उनके जो निशान मिले हैं वो तो क्या मिलेंगे, उनके अवशेष मिले हैं उन चट्टानों के अंदर यूरोप में इस जगह पर लेजरेट के अंदर। और फ्रूट्स मिले हैं, वेजिटेबल, सीड, नट्स, बर्ड्स एग एंड फ्रेश वाटर फिश, और ताजे पानी की मछली उनके नाम दिए हुए हैं। इस तरह की चीजें साइंटिस्टों ने डिस्कवर की, आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की, और हमारे सामने ये इतिहास के रूप में उसने पेश किया है, लिखा है, बुक लिखी है आपके सामने जो आप सुन रहे हैं। इसके एक और साइट आता है टेरा एमेटा नाम का साइट है, और ये सदर्न फ्रांस के ऊपर, ये साउथ फ्रांस में है, ये भी फ्रांस में ही है। यहाँ क्या मिला है इनको, फिलिमशी शेल्टर्स विथ रूफ ऑफ वुड, यहाँ पर बहुत नाजुक फिल्म कहते हैं नाजुक सी, बहुत ही कोमल सी झोपड़ियां मिली हैं, और जिनकी छतें काई की हैं, छतें लकड़ी की बनी हैं, घास की बनी हैं, वो टेम्परेरी वगैरह, फॉर शॉर्ट टर्म टेम्परेरी, वो घास की झोपड़ियां छतों वाली वो उनको मिली है। सीजनल विजिट, ये लोग यहाँ पर आते होंगे कभी कभार, सीजन पर आते होंगे विजिट करने, टेम्परेरी बनाया और फिर चले गए, ये भी देखी गई है। पीछे तो कह रहा है, और वहां क्या मिला है इनको गुफाओं के अंदर, पीसेज ऑफ बेग्ड फ्लेश, पकी हुई मिट्टी के टुकड़े, जली हुई हड्डियां, एलोंग विद स्टोन टूल्स, उनके साथ साथ पत्थर के औजार, ये मिले, कम मिले, 1.4 एंड 1.5 मिलियन, 1,00,000 साल पहले, 1 मिलियन ईयर्स एगो है बीन फाउंड एट, ये जगह है कीनिया है, अफ्रीका है, यहाँ साउथ अफ्रीका, ये सब चीजें मिली है इनको। वर दीज, अब ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्या ये सबके सब प्रमाण है, रिजल्ट है नेचुरल बुश फायर या वॉल्केनिक इरप्शन। अब ये जली हुई हड्डियां, मिट्टी के जो बर्तन थे वो पके हुए थे, तो ये एस्टिमेट कर रहे हैं ये लोग कि ये जो जली हुई चीजें हैं, क्या यहाँ पर कोई ज्वालामुखी आया था, लावे से ये सब जल गए, या फिर या कोई बुश फायर, या कोई जंगल कोई आग लगी थी जिससे ये जल गए, या ये उनका एस्टिमेशन है साइंटिस्टों का, या फिर यहां पर कोई आदमी था उसने जान करके मतलब आग जलाई, आग जलाता था, या वो सेकता होगा इनको, बैक करता होगा, ऐसा एक एस्टिमेशन है। इसके बारे में ये लोग अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते, ये उन्होंने यहां बताया। इसके बाद आता है ह्यूमन टूल्स, सॉरी, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, आज हमने इसको इतना ही हम लेंगे। और हर्थ यहां पर आया, हर्थ कहते हैं सिगरियां या अलाव, जिसको जलाकर ये अपनी गुफाओं को रोशन किया करते थे, अपनी गुफाओं को गर्म किया करते थे, इस आग को जलाकर वो जंगली जानवरों को दूर भगाया करके, है नहीं, दूर भगाया करते थे, इस आग के ऊपर अपना खाने को पकाया करते थे वो, तो ये आग जो फायर थी कई पर्पज के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस आग के ऊपर ये लोग लकड़ी का एक सिरा गर्म करके उसको हार्ड किया करते थे, जिससे वो सिरा जानवर का शिकार करने में काम आता था, हार्ड करके। इस तरह से ये डिफरेंट यूजेस थे फायर के, जो अपनी गुफाओं में ये लोग आदि मानव बैठ कर ये काम किया करता था। इस तरह से ये आपका यहाँ तक फिनिश हुआ, और नेक्स्ट अपन लेंगे अर्ली ह्यूमंस मेकिंग, इसने औजार कैसे बनाए ये मैंने आपको बताया था, इसमें से 1-4 ABCD ये 4 पॉइंट आप लिखना है, ठीक है ना, ये लिखकर अपनी और दो को लिख लें, इनको याद कर लेना। थैंक यू सो मच।